हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ही कराएगा बीएड प्रवेश परीक्षा। अगर बीएड करना है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ही आपको प्रवेश परीक्षा करवाने वाला है। तैयारियाँ शुरू और यहाँ पर अप्रैल में जारी किया जा सकता है फॉर्म। तो यहाँ पर अप्रैल में फॉर्म फिल करने के लिए बताया गया है। और पिछले सत्र में यहाँ पर जो है CUET ने प्रवेश होने के कारण जो है 50% सीटें रह गई थी खाली। तो यहाँ पर CUET के द्वारा प्रवेश हुए थे लेकिन 50% सीटें खाली रह गई थी। लेकिन अब गढ़वाल विश्वविद्यालय खुद ही करने वाला है इनके लिए। कहा है कि यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के बिड़ला और पौड़ी टिहरी परिषद सहित जो संबद्ध कॉलेज और निजी संस्थानों में बीएड के करीब जो है 4,000 सीटें निर्धारित हैं। और इन सीटों पर जो है गत वर्ष CUET के माध्यम से यहाँ पर जो है प्रवेश कराए जाने के चलते कई संस्थानों में बताया गया 50% से ज़्यादा जहाँ पर जुटते सीटें रह गई थी। लेकिन इस बार जो है खुद ही करने वाला है बीएड प्रवेश परीक्षा के जो भी यहाँ पर तैयारी है कर लिए हैं। और अप्रैल के प्रथम वीक में यहाँ पर जो है आवेदन के फॉर्म फिल करने के लिए बोल दिया जाएगा। बात करते हैं प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती का जो है आज होगा विरोध। तो यहाँ पर सीधी भर्ती निकाल दी है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ऐसे में यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के पद पर जो है विभागीय सीधी भर्ती का विरोध किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि आज जो है राज्य भर में जो है शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर विज्ञप्ति की जो यहाँ पर होली जलाएंगे। और जबकि देहरादून जिले के शिक्षक जो है शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करेंगे बताया गया है। और राजकीय शिक्षक संघ ने यहाँ पर जो है कहा रद्द की जाए इस पद के लिए निकाली गई विज्ञप्ति। तो यहाँ पर इस विज्ञप्ति को रद्द करने की बात शिक्षक संघ के द्वारा उठाई गई है। और शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के चलते जो है प्रधानाचार्य के पद पर जो है पदोन्नत नहीं हो पा रही और इससे जो है स्कूल में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और सब कहा है कि स्कूल में जब तक जो है प्रधानाचार्य नहीं रहेंगे दिक्कत आएंगी। और शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई बैठक निर्णय ले लिया गया है और स्क्रीन परीक्षा के माध्यम से इन पदों की विभागीय भर्ती से भर दिया जाएगा। और स्पष्ट करना है कि यहाँ पर जो है इनमें पदोन्नति के पदों को छोड़कर अन्य पद पर जो है विभागीय सीधी भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर बंसी अधिकारी ने कहा कि सिर्फ विभागीय जो पदोन्नति वाले हैं उनके पद छोड़ दिए गए हैं और बाकी जो है सीधी भर्ती की जा रही है पदोन्नति के रिकॉर्डिंग। आंदोलनकारियों का वो पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किताब भंडारे हत्याकांड वाले पे बात चल रही है। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षा में जो है अब अने जाएंगे फिनलैंड मॉडल। तो फिनलैंड मॉडल के साथ टीम के साथ रवाना हो चुके हैं शिक्षा मंत्री। तो वहाँ पर जो है उसके मॉडल को देखकर उत्तराखंड में लागू करने वाले हैं। और प्रदेश का पहला जो है मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र तैयार। तो यहाँ पर जो है समाज कल्याण विभाग को यहाँ पर जो है हस्तांतरित होने हैं केंद्र। और कहा है कि यहाँ पर जो राज्य का पहला जो मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है भवन तक बनकर तैयार हो चुका है। और पेयजल निर्माण निगम ने जो है इसका सीएम पुष्कर धामी के हाथ लोकार्पण कर दिया गया है। ये आपका रुद्रपुर में बना है। और 5400 ग्रेड पे वाले बेसिक शिक्षकों को यहाँ पर मिल सकता है राजपत्र का दर्जा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर 5400 ग्रेड पे वाले यहाँ पर आ चुके बेसिक जूनियर शिक्षकों को राजपत्र अधिकारी का दर्जा। इसके लिए कहा है कि मानक स्थिरता का जो है लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जो है मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ कमेटी के बाद आज यहाँ पर बैठक में डीजी शिक्षा बंसीधर तिवारी का जो है यहाँ पर आश्वासन दिया गया। और राज्यपाल से यहाँ से इच्छा मृत्यु मांगने गेंगे सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी की अपनी मांग चली है आउटसोर्स वाली और इच्छा मृत्यु मांग करने की बात करी है। प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती का आज जो इसका विरोध है आज। और जो विज्ञप्ति निकाले गए हैं उसका यहाँ पर होली जलाने वाले हैं। और राजकीय शिक्षक संघ ने कहा है कि भाई यहाँ पर जो है इसका विज्ञप्ति रद्द किया जाना चाहिए। फिनलैंड पहुंचे शिक्षा मंत्री और पिलकेट डे केयर सेंटर का किया भ्रमण। तो यहाँ पर देखते हैं पिलकेट डे केयर का जो है सेंटर का भ्रमण कर दिया है। और शिक्षा मंत्री अपनी टीम के साथ आप लोग देखते हैं फिनलैंड पहुंच चुके हैं। और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जो है वांता में जो है विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को भी जाना। तो यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों को उनकी भी जाना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और सीधी भर्ती वाले ठगे गए और पदोन्नत वाले पाएंगे पदभार। तो यहाँ पर उत्तराखंड में वन महकमे में सीधी भर्ती से आए उप प्रभागीय वन अधिकारी और अधिकतर स्थिरता स्थिरीकरण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए
एसडीओ के बीच यहाँ पर एक बार फिर जो है बढ़ती नजर आ रही है इसमें रार, और कहा है कि सीधी भर्ती के 40 जो यहाँ पर ACF का जो है बेस ट्रेनिंग का अंतिम चरण पर है, और वहीं यहाँ पर कुछ समय पहले जहाँ पदोन्नत हुए ACF को जो है फिर से पदोन्नति का जो है प्रभारी DFO बनाकर तैयारी कर दी गई है, ऐसा कहा गया है वन विभाग में। और वहीं यहाँ पर दून यूनिवर्सिटी में जो है प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले, तो यहाँ पर देखते हैं कि दून विश्वविद्यालय में UG और PG में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई, और यहाँ जो है इस बार भी प्रवेश परीक्षा के जरिए जो है दाखिले होंगे, और इसके लिए यहाँ पर जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो नोटिस जल्द होने वाला है, और इसमें कहा कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर दाखिला कर दिया जाएगा, और कभी KB में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में बताया गया कि दाखिले की केंद्रीय विद्यालय में जो है दाखिले को लेकर जो है जल्द ही आपके जो है हो जाएंगे, और इसके लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है सब कुछ अब खोल दिया जाएगा। और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ जो होटल मैनेजमेंट कैटरिंग में यहाँ पर प्राचार्य निदेशक के पद की पोस्ट निकाली गई है, और वेतन स्तर 14 लेवल का है, और प्रवेश वेतन आपका 1,44,200 के रेवेंज से स्टार्ट है, और इसमें आप भत्ते सबको लगाए जाएंगे। इसके लिए 26/4 तक जो है आवेदन कर सकते हैं, इन पदों के लिए समुदाय के आधार पर रखा जाएगा। 2 अप्रैल को होंगी पूर्व सैनिकों की भर्ती, तो भूतपूर्व सैनिकों की जो JD भर्ती है 2 अप्रैल को होने वाले सारे जो है कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल को सुबह आपका जो है भर्ती की जांच होने वाले है, 2 तारीख को आप जो है स्क्रीनिंग, और यहाँ पर सारे दक्षता जो परीक्षा होनी है वो आप कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जल्दी मिलेंगे 361 CHO, तो CHO मिलने वाले हैं जल्दी स्वास्थ्य विभाग में, और इसके लिए यहाँ उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने जारी की अंतिम सूची, तो अंतिम सूची इनकी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में LT शिक्षक भर्ती जो यहाँ पर 2020-21 में निकाली गई थी 34 से 31 पदों के कारण, उसका यहाँ पर देख सकते हो वेटिंग लिस्ट हो चुकी है जारी। इसमें कहा है कि यहाँ पर LT शिक्षक सीधी जो 60% है, और 10% विभागीय लिखित परीक्षा आपका यहाँ पर हुआ था, और उनमें जो है सामान्य वो महिला शाखा के शेष जो अवशेष पद थे उन पर अंग्रेजी और हिंदी है, गणित है, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक सामान्य वाला है, व्यायाम है और वाणिज्य है, इन विषयों में जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था 21 से 23 के बीच में। रिजल्ट आपका 17 जनवरी 16 फरवरी के बीच में आप जारी कर दिया था, और उसके बीच में यहाँ पर बताया गया कि अब यहाँ पर सहायक अध्यापक LT विभिन्न विषयों में जो है पूर्व में परीक्षित की गई संस्कृतियों के उपरांत जो है अवशेष पदों की सापेक्ष जो है सहायक अध्यापक LT के यहाँ पर जो श्रेष्ठाक्रम है वो जारी कर दे हैं। जो भी अवशेष बचे हुए कैंडिडेट थे तो वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर अपना नाम मिल जाएगा आपको। और उत्तराखंड जन सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर देखते हैं ड्राइवर भर्ती का वाहन चालक जो आपका यहाँ पर 2022 में पेपर कराया था 12 जून 2022 को, उसका भी यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जो स्किल टेस्ट हुआ था आपका, और ये भी कहा गया है कि इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन जल्दी करवाया जाएगा, और इसमें जो है 2 अभ्यर्थियों का जो है चयन परिणाम सील बंद कराया गया है। तो यहाँ पर 2 ऐसे अभ्यर्थी जिनका यहाँ पर सील बंद सुरक्षित कर दिया गया है, और यह जो है यहाँ पर औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम आपका अभ्यर्थियों के ऑनलाइन जो आवेदन पत्र हैं उनमें किए गए दावे उसके अनुसार कार्यालय में निर्धारित तिथि को जो है अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अभ्यर्थियों से जो है उनकी मेरिट के आधार पर जो है कुल पदों की सापेक्ष घोषित किया जाएगा। ये का भी स्किल टेस्ट करने वाला है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर DB होगा उसके बाद इनका लिया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 1.5 गुना ज़्यादा ले रखे हैं, 174 या 76 पोस्ट इसमें रखी है फिलहाल।